लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अप्सरा किचन और बेल के बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ रेसिपी वो है उपमा। ये बहुत ही टेस्टी होती है और मुझे बहुत ही पसंद है। आई होप आपको पसंद आए ये उपमा। ये सूजी की बनाई जाती है, सूजी इन द सेंस रवा, और ये बनाने में बहुत ईजी है, झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो जरूर मेरे वीडियो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है उपमा। थैंक यू। चलिए फ्रेंड, आज की रेसिपी शुरू करते हैं जो है साउथ इंडियन का फेमस उपमा। तो मैं आज बनाऊंगी उपमा बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल से। मैंने ली है एक गाजर जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, एक प्याज मीडियम साइज का जो मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा मूंगफली, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मसूर की दाल करीब एक चम्मच, थोड़ी सी चने की दाल करीब एक चम्मच, तेल या फिर घी आप यूज कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड तेल लिया है, और एक कप से कम मैंने सूजी ली है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पैन ले लिया है, पैन को गर्म कर लिया है, इसमें डाल देते हूँ तेल। इसमें डालूंगी मैं जीरा और ये दालें भी। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और साथ में मूंगफली भी। मैंने लिए कुछ कड़ी पत्ते वो भी डाल देते हैं। साउथ इंडियन के खाने में अगर कड़ी पत्ता ना हो तो कोई खाने का कोई टेस्ट भी नहीं। जो उसकी फ्लेवर है ये अपनी जगह बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और मिर्ची, मिर्ची आपको ऑप्शनल से, आपका अगर तीखा पसंद है तो जरूर डालें। इसको 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से भून लिया है हमने। अब डाल देती हूँ मैं गाजर जो मैंने बारीक काटी है। मैं सिर्फ गाजर यूज कर रही हूँ, आप चाहे मटर भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा। और ये प्याज, गैस को मैंने बिल्कुल कम रखा है, आप थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, करेंट मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ। अब इसको मीडियम फ्लेम में करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। थोड़ा सा गाजर हमारा पकना जाए तब तक इसको थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, गाजर हमारे पक चुके हैं। गैस को हम मीडियम टू हाई में कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसको हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है
अब इसको ऊपर से डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, ज्यादा कम। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनता है। कई बार तो लोग पसंद करते हैं इसको लंच में भी खाने के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम गोल्डन करेंगे ऐसे चलाते चलाते। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट करीब इसको भून लिया है। ये हल्का सा गोल्डन हो चुका है, ये आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल, और बच्चों को तो कलरफुल बहुत पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, गैस को कर देते हैं कम, बिल्कुल सेम। अब मैं डालूंगी इसमें पानी, मैं इसी कप के मेजरमेंट से पानी डालूंगी, करीब 1 कप, 1 कप और थोड़ा सा। अब इसको कम ही आंच में हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे सारा ये पानी जब तक सूख न जाए। पांच मिनट तक चलाएंगे इसको बिल्कुल कम सीम में। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद काफी पानी सूख गया है ये। इसको और हल्के आंच में हम इसको भूनेंगे ऐसे ही और 5 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उपमा लगभग तैयार हो चुका है। मैंने काफी देर तक इसको फ्राई किया क्योंकि सूजी बहुत जल्दी पानी सोख कर लेता है। उसके बाद हमें करीब मैंने 10 मिनट तक इसको चलाया है और इस तरह से ये बन के तैयार हो गया उपमा हमारा। देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब ये तैयार है हमारा उपमा। अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। गैस को मैं ऑफ करती हूँ, एक बाउल पर ले लेती हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, आज के मेरे गर्मा गर्म उपमा तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, जरूर मेरे वीडियो नीचे लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।